आज भारतीय जनता पार्टी के नव नियुक्त जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा सहारनपुर का स्वागत सम्मान कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें जिला भर के पदाधिकारी वह कार्यकर्ता सैकड़ों ट्रैक्टर कारें बाइक लेकर हजारों की संख्या में रैली के रूप में जिला अध्यक्ष का स्वागत किया। प्रातः 11 बजे जेल चुंगी के पास रिमाउंट डिपो से प्रारंभ हुआ, जिसमें जिला अध्यक्ष वीरेंद्र पुंडीर ने देहरादून स्थित संघ कार्यालय में पदाधिकारियों से मिलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति पर माल्य अर्पित की और उसके बाद घंटाघर स्थित सरदार भगत सिंह की मूर्ति पर माल्य अर्पित। कार्यक्रम का दूसरा रूप सम्मान कार्यक्रम पाइन हुल स्कूल के सामने वाले पार्क निकट हसनपुर चुंगी पर हुआ। जनता पार्टी द्वारा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष के रूप में आज मेरे को दायित्व मिला है, उस दायित्व की खुशी में जो अपने कार्यकर्ता है, क्योंकि 2017 के चुनाव से पहले सहारनपुर देहात विधानसभा से अपनी तैयारी थी, आज कार्यकर्ताओं के अंदर एक उत्साह है, खुशी है, और उसी खुशी और उत्साह को व्यक्त करने के लिए कार्यकर्ताओं द्वारा ही ये कार्यक्रम रखा गया है। जेल चुंगी से लेकर और हसनपुर चुंगी तक वो एक स्वागत का कार्यक्रम उन लोगों ने रखा हुआ है। ये कोई रैली नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की भावनाओं का एक कार्यक्रम है। अच्छा सर, जैसे कि आपको जिला अध्यक्ष बनाया गया है किसान मोर्चा का, तो क्या आप अपनी जिम्मेदारी भली भांति निभाएंगे? अरे आ जाओ, कहाँ हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जब किसी को दायित्व दिया जाता है, इधर यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष की कृपा से दायित्व नहीं मिलता। यहाँ पर एक संगठनात्मक रचना है, उसके आधार पर ही व्यक्ति को दायित्व मिलता है, और प्रत्येक कार्यकर्ता जो जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन 100% करता है, और इस राष्ट्र को, इस भारत माता को आगे ले जाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूर्ण ईमानदारी और मेहनत और लगन से। हमारा जो सबसे पहला ध्यान होगा वो स्थानीय समस्याओं को दूर कर उनका निराकरण करके किसानों के अंदर ये विश्वास पैदा करना होगा कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के